जय माता दी। हैप्पी रक्षा बंधन। तो कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। और सुबह का टाइम है, यहाँ पे मुझे पूजने हैं दरवाजे। तो अपने हिसाब से नहीं पूजते हैं, पंडित जी बताते हैं टाइम, तो जिसका टाइम है उसी टाइम पे ही पूजे जाते हैं। और यहाँ पे ध्रुवा जिसे बोलते हैं, जुबड़ा बोलते हैं हमारे, वो ले लिया है मैंने। और इसके साथ ही मोली चाहिए जिसके साथ हमें ये छोटे छोटे करके बांधने होते हैं। और दरवाज़ा पूजने के लिए हमें मीठा बनाना पड़ता है, जैसे सेवैयाँ वगैरह। तो सेवैयाँ मैंने पहले ही बना ली है, बस इसे फटाफट से बनाऊंगी और दरवाजे पूजे जाएंगे। तो पहले मैं पूजा वगैरह कर लेती हूँ। इसके लिए मैंने सेवैयाँ बनाई थी। और ये गौ माता का गोबर है जो उसी से ही पूजा जाता है। हमें भी नहीं पता, लेकिन जैसे हमारे बुजुर्ग करते आए हैं हम वैसे ही करते हैं। बाकी टाइम पंडित जी बता देते हैं, तो जिसके उसके हिसाब से ही पूजा जाएगा। तो पहले यहाँ पर गौ माता का जो गोबर होता है वो लगाया जाता है, और उसके बाद जो ये ध्रुवा और मीठा सेवैयाँ वगैरह होती है वो लगाई जाती हैं। तो यहाँ पे दरवाजे पूज रही हूँ मैं। और अभी दीदी और वगैरह भी आएंगे, ननद वगैरह, बच्चे सभी आएंगे। तो उससे पहले पहले मुझे काम निपटाना है, क्योंकि फिर अभी खाना भी बनाना है दोपहर का, और साथ के साथ ही मुझे दुकान पे भी जाना पड़ता है। तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है अकेले करना। तो यहाँ पे दरवाजे पूज लेते हैं पहले, उसके बाद और काम देखेंगे। और पिछले साल हमारे इन्हीं दिनों में रक्षाबंधन के टाइम में हमारी मासी जी, जो हमारी मम्मी की छोटी बहन हैं, उनका देहांत हुआ था। वो चले गए थे हमें छोड़कर। तो त्यौहार कोई भी हो, अगर कोई त्यौहार दिन जिस टाइम पे हमारा कोई अपना गया हो, तो वो दिन याद हमेशा रहता है। तो थोड़ा मन दुखी भी है क्योंकि साल हो गया है उन्हें, और इस साल फिर मम्मी बीमार हैं, तो होता ही है। लेकिन अब ये भाई बहन का जो त्यौहार है, और अगर खुशी से सुख शांति से त्यौहार आए तो मनाना भी चाहिए। तो यहाँ पे दरवाजे वगैरह पूज दिए हैं मैंने, और अब मुझे जाना है दुकान पर, क्योंकि जब तक दीदी और नहीं आते तब तक दुकान पर जाऊँगी और दोपहर का जो खाना बनाना है उसकी तैयारी करूँगी। तो देखते हैं, पहले दुकान पर जाऊँगी उसके बाद ही देखेंगे और काम। तो दरवाजे पूजने के बाद मैं दुकान पर चली गई थी, और तब तक दीदी और बच्चे भी आ चुके हैं, देवरानी के बच्चे भी आ चुके हैं, दीदी के बच्चे भी आ चुके हैं, तो मेरे दोनों भाई भी आ चुके हैं। तो पहले मैं राखी भाई को ही बांधूंगी, क्योंकि यहाँ पे राखी बंधवाने के बाद भाई, जो मेरा बड़े वाला भाई है, वो बुआ के घर जाएगा, और उसके बाद फिर अपने ससुराल भी जाएगा। तो इसलिए पहले इन्हीं के ही राखी बांध देती हूँ, और काम बाद में करूँगी, क्योंकि दीदी वगैरह वैसे चाय पानी हो चुका है इनका। तो राखी वगैरह पहले इन्हीं के ही बांध कर दीदी और जो देवरानी की बेटी है, दीदी की जो बेटी है, वो सभी बाद में ही बांध लेंगे राखी। चलो सब हेलो करो, हाय करो। चलो बच्चा पार्टी वहाँ बैठ, बच्चा पार्टी कर लेना। हेलो नू, ये हमारी नंदी जी, नंदनी है, नंदनी है। तो ज़्यादा दिखाना पड़े। चलो बांधो, नहीं रखा हुआ नहीं। इसके सिर पे रुमाल रख दे, बस भी नॉर्मल भी ठीक है। इधर से थोड़ा स्टाइल ही दिखेगा, इधर से थोड़ा कर दी, इधर पूछो। ओए चिपका पैसे तो दे, कैसे पैसे दीदी से मांग ले, उल्टा पैसे डब्बे ऐसे फालतू में नहीं बांध दी राखी, बिना पैसों के बनवाने वाला। नहीं मैं खाती नहीं हूँ, थोड़ा सा खाएगा, थोड़ा सा खाते हैं बेटा। अभी ना इसको मीठा एक्स्ट्रा खिलाना है भाई, मीठा ज़्यादा खाएगा। पैसे कुछ ना दिए थे मेरे नाम के, ना दिए मम्मी। कितना हो क्यों है, रेड क्यों नहीं है? मम्मी पीछे बनाओ या ये कर देंगे, सिर्फ कमी तला देंगे, है ना भैया? इधर देखो, इधर कोई नहीं देखता, उधर थोड़ी वीडियो में थोड़ी देखेंगे। अच्छा कैसे बांधते हैं इसको, तो काट लिया पूरा मुँह में डालते जबरदस्ती। फिर क्या हो गया? लाख 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 मेरा तो कोई शर्मा लिया है। सारे इसी हाथ में बंधवा रहे, क्या बात है। ये लड़कों वाला है, ये लड़कों वाला है, लड़की वाला। इसके ऊपर लिखा लो भी मम्मा। देखो काट कर फिश नोट कोर्बन देगा। ऐसे थोड़े मिल जाते हैं पैसे। और कैसे मिलते हैं। तो यहाँ पे बच्चे वगैरह की राखी का काम हो चुका है, बस अब बड़ों की बारी है। तो यहाँ पे दीदी अपने बड़े भाई के राखी बांध रहे हैं, क्योंकि ये काफ़ी देर बाद आए हैं अभी, तो सबसे बाद में इन्हीं की ही बारी है। और दीदी को 2-3 जगह जाना पड़ता है, क्योंकि पहले तो हम इकट्ठे ही रहते थे तो फिर एक ही जगह काम सर जाता था, लेकिन अब यहाँ भी आना पड़ता है और जहाँ देवरानी रहती है वहाँ भी जाना पड़ता है, और एक मेरे जो जेठ जी हैं वहाँ भी जाना पड़ता है, तो इसलिए 2-3 जगह जाना होता है। और घर भी फिर काफ़ी दूर है, एक ही दिन में 2-3 जगह जाना और फिर वापस घर जाना तो थोड़ा मुश्किल होता है, और टाइम भी लग जाता है, पूरा दिन पता ही नहीं चलता है। तो यहाँ पे नेक दे रहे थे। वैसे मैंने ये दिखाने वाली कोई बात नहीं है कि क्या दिया है बेटियों को क्या नहीं, लेकिन वीडियो चल रही थी तो मैंने कट भी नहीं की। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ दोपहर का खाना, तो एक साइड में मैंने खीर रख दी है बनने के लिए, क्योंकि बीच बीच में मुझे दुकान पर भी जाना पड़ता है। और यहाँ पर बन रही है मेरी सब्जी, आलू छोले की सब्ज़ी बनाऊँगी। छोले सुबह ही उबाल कर रख लिए थे, तो तड़का यहाँ पर भून चुका है। इसमें डाल दूंगी अब आलू, क्योंकि लहसुन प्याज वगैरह काटने में दिक्कत होती है, टाइम लगता है, तो इसलिए मैंने जो तड़का वगैरह होता है वो सुबह ही काट कर रख दिया था। छोले भी सुबह उबाल कर रख लिए थे, तो बस अब इतना टाइम नहीं लगेगा सब्ज़ी बनने में। और अभी चावल भी बनाने हैं, तो पहले पूरियों के लिए आटा गूँथ कर रख लूँगी, क्योंकि पूरियाँ तो गर्मा गर्म साथ के साथ ही अच्छी लगती है। तो यहाँ पर और सामान जब तक और खाने का सामान है वही बना देती हूँ। और बीच में फिर से दुकान पे जाना पड़ा मुझे, अब बनाने हैं मुझे चावल, और पूरियों के लिए आटा लगा दिया है मैंने, तो पहले दुकान पर जाकर आती हूँ। और यहाँ पे दुकान पे आने के बाद अब तक मेरी खीर भी बन चुकी है, सब्ज़ी भी बन चुकी है, चावल भी बन चुके हैं, और सूखे आलू बनाए हैं। और अब बन रही है पूरियाँ, तो बच्चों को पहले रोटी दे देते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है और फिर इन्होंने वापस भी जाना है, तो इसलिए पहले फटाफट से बच्चों को खिला देते हैं, उसके बाद खुद की बारी आएगी। और दूर का सफ़र होता है तो बारिश का भी मौसम रहता है, तो इसलिए दीदी को वापस भी जाना है, और अभी नीचे जहाँ देवरानी है वहाँ पे भी जाना है। तो रक्षाबंधन की सभी को ढेरों शुभकामनाएँ। कैसी लगी आपको वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो ज़रा भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हैप्पी रक्षाबंधन।